जर्नी हमारा बहुत ही दूर तक है। तो अभी मैं करने वाली हूँ यहाँ पे लंच। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो सुबह के 8:30 बजे से हमारा ये जर्नी शुरू हुआ था। जिधर हम जाएंगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी हमारा जो ट्रेन है वो चलने लगा है और इधर पे मैंने लिया था ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट में था पूरी और सब्जी, जो कि खाने में टेस्टी था। मतलब जैसा होता है ऐसा ही होगा ना, ब्रेकफास्ट था मेरा। तो यही है, थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ मैं। बहुत ही लंबा जर्नी है और इधर पे थोड़ा सो जाती हूँ मैं, क्या करूँगी। इसके बीच में मैं गई थी टनल के अंदर और बीच में मैंने ये खाया था। तो अभी बज रहे 11:20 एंड जर्नी हमारा बहुत ही दूर तक है। मेरा आग अभी भी पफी है क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं सो ही रही हूँ और बाहर में कुछ व्यू मिल ही नहीं रहा है। ऐसा है बाहर का नज़ारा, एक बॉटल है और कुछ नहीं है। इस बीच पे आए थे पॉपकॉर्न अंकल और मैंने ले लिया इधर पे पॉपकॉर्न और पापड़, जो मैं खाऊंगी अभी बैठ बैठ के। नमूना करके वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगी इसका आपको दिखाने के लिए। फिर मैंने लिया था चाय पिया और जर्नी ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई, इतना दूर है। तो अभी मैं करने वाली हूँ इधर पे लंच, एंड हियर इज माय लंच। मैं दिखाती हूँ, पागल इंसान की तरह मैं लंच दिखा रही हूँ। तो ये सब मैंने लंच के टाइम खाया था, और उसके बाद ही मैंने 4 या 5 बजे के टाइम ये खाया था। पूरा जर्नी बस खाते खाते ही गया। तो खाने के साथ साथ आप थोड़ा बहुत व्यूज़ का भी मज़ा ले लो, क्योंकि आपको पूरा वीडियोस में खाना और थोड़ा बहुत नज़ारा ही देखने को मिलेगा। फिर इस स्टेशन पे आके मैंने ये अप्पल ख़रीदा था, एंड 7 या 8 बजे मैंने ये खाया था, रोटी पराठा ये सब। एंड ये था हमारा एक स्टेशन, इधर से मैंने ये डिनर किया था, एंड लास्ट पे मैंने एक अंडा भी खाया था डिनर के बाद। ये करते करते सुबह हो गया और मैं ट्रेन से उतर गई। सो दिस इज़ NGP रेलवे स्टेशन। आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो है कि मैं कहाँ जा रही हूँ अभी। तो ये क्यूट सा फूड स्टेशन था, एंड इधर से मैंने टिकट वगैरह काटा था, फिर गाड़ी पे बैठ गई। और इधर पे मैं खा रही हूँ झाल मुड़ी, एंड मैंने वो बेयर लिया था, उसके बाद मेरा हवा टाइट हो गया। मैं फाइनली ये खा रही हूँ। थोड़ी देर पहले मैं होटल पे आई हूँ। मैं होटल का व्यू वगैरह सब कुछ दिखा दूंगी, सब कुछ बोल दूंगी, लेकिन जो मुझे मेनली बोलना है, मैं सोच रही थी कि मैं उधर पे भी रिकॉर्ड करूँ वीडियो, लेकिन मुझसे नहीं हुआ रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैं एक बंदी हूँ जिससे लिटरली इतना ज़्यादा वॉमिट वगैरह नहीं होता है, लेकिन मैंने टोटल 5 बार वॉमिट किया। तो समझो कितना तेरा वेरा ऐसा रास्ता होगा, मेरा कंडीशन ख़राब हो गया। और जिस गाड़ी से हम आए हैं ना, उधर में सारे के सारे बंदे थे और मैं एक बंदी थी, और उन बंदे लोगों को भी मेरा वॉमिट देख के उन लोगों को वॉमिट आ रहा था, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं इतनी सी पिद्दी सी हूँ, मेरे को क्या बोलेंगे वो लोग, कुछ नहीं बोल सकते। और एक जो बात था, मतलब जो मेनली मुझे बोलना था वीडियो में, और इस वीडियो में मुझे बोलना ही था, इधर का मतलब सिक्किम का रूल्स है, मतलब जो ड्राइवर है उन्होंने मुझे बोला कि उन लोग का रूल्स है, अगर आप उनके गाड़ी में वॉमिट करोगे तो आपको सिक्किम मतलब एंटर करने से पहले वो वॉश करके फिर जाना पड़ता है, नहीं तो फाइन वगैरह चार्जेस रखते हैं। सिक्किम का रूल्स है, मतलब सिक्किम पुलिस का रूल्स है ये। तो आई डोंट नो, देखो भाई साहब, एक तो इतना तेरा वेरा रास्ता है, उसमें से आपको वॉमिट हो ही सकता है, लेकिन कोई भी वॉमिट कर ही सकता है ना, इस पर फाइन रखने का क्या है, एक्स्ट्रा मनी रखने का, मतलब इन लोगों का स्कैम। और स्कैम मतलब कैसा आप लोग पैसा कमा सकते हो, ऐसा वाला स्कैम चलाते हो लोग। तो इस वीडियो को थोड़ी देर बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ, मैं फ्रेश वगैरह होके आके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो आई गॉट रेडी, एंड अभी जाऊंगी मैं नीचे दूसरे एक होटल पे खाना खाने। इधर पे खाने का पता नहीं क्या होगा, सुबह को देखेंगे हम। तो हम दूसरे एक होटल पे जाके अभी कुछ खाएंगे, फिर थोड़ा MG मार्केट घूम के आएंगे, अगर बॉडी का एनर्जी दिया। फिर ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, जो बाकी पार्ट होगा वो टू बी कंटिन्यूड होगा। सो टिल देन, टाटा।